ये मेरी फ्लाइट है जो जाएगी यहाँ से बैंकॉक। दोस्तों अभी अपना इमिग्रेशन हो चुका है फाइनली। इमिग्रेशन के टाइम पे मुझसे थोड़े सवाल किए गए, वो मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। अलमाटी जा रहे हैं, व्लॉग देखे थे इन्होंने मेरा अलमाटी। अरे थैंक यू ब्रदर। सो वेल हाय, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुका हूँ वापस से। मैं आज फिर से लेके चल रहा हूँ आपको एक और नई जगह और एक और नई डेस्टिनेशन कवर करने। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम बहुत जल्द ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं, एंड फाइनली वो दिन आ गया। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन वगैरह मेरा सब कुछ कैसा रहा, एंड मेरा सिक्योरिटी चेक क्या मतलब मुझसे पूछा गया, एंड टिकट वगैरह और जो मेरा चेक इन के टाइम पे मेरे से सवाल क्या किए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, एंड अभी चलते हैं फ्री का खाना खाने क्योंकि भाई वो ज़रूरी है। तो अभी पहले सबसे पहले मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख फिलहाल के लिए। तो चलते हैं। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर पे, और आज की जो हमारी जर्नी है वो जा रही है इंडिया टू बैंकॉक। तो गाइस अभी क्योंकि चलना बहुत है मेरा सबसे लास्ट में हर बार का, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं दुबई गया था अब भी 14 नंबर, एंड लास्ट मेरा अलमाटी कजाकिस्तान का था तब भी 14 नंबर। तो आज भी सेम मेरा 14 नंबर ही है जो सबसे लास्ट में होता है। तो मैंने कहा इतना चलना है क्योंकि भाई लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट को कवर करते हुए चलते हैं। बाकी अभी खाना वगैरह खा के काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो ये मेरी फ़्लाइट है जो जाएगी यहाँ से बैंकॉक मतलब 9 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड आपका 8, तो एक घंटा है मेरे पास। तब तक मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड में बता दूंगा जो भी जैसे जैसे सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ मैं फ़ाइनली आ चुका हूँ अपने गेट नंबर 14 पे, और मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैं आया। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की इंडिया टू बैंकॉक, और हम बैंकॉक जाने वाले हैं, थाईलैंड आपको घुमाने वाले हैं। और अभी वक्त हो चला है 8 बजे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। दोस्तों जैसे ही मैंने एंट्री किया एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले अपना चेक इन वगैरह करा लिया, बोर्डिंग पास हमें मिल गया था। उसके बाद हम चले अपना वही इमिग्रेशन की तरफ। तो जो ऑफिसर थे तो भैया वहाँ इमिग्रेशन पे मुझसे सिर्फ 2-3 सवाल ही किए। वो पूछा फिर क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला ऑब्वियसली घूमने ही जा रहे हैं भाई, अपना टूरिस्ट हैं, एंड मेरे जो पासपोर्ट पे काफ़ी ऑलरेडी स्टैम्प लग चुके हैं। तो इतना नहीं पूछा, मुझे मैक्सिमम शायद से 10 सेकेंड या 12 सेकेंड लगे होंगे। उसके बाद अपना वही फ्री का खाने वाला सीन है भैया अपना। उसके बाद मैं सीधा लाउंज एक्सेस में गया। लाउंज एक्सेस में अपना वो मैंने दिखाया स्कैनर जो मुझे मिला था, क्योंकि वो हर 3 महीने में मेरा है ना वापस से आता रहता है, तो वापस से वो ऑफर था, वो स्कैन दिखाया। एंड फिर अपना थोड़ा लाउंज एक्सेस में बैठे, फिर थोड़ा खाना पीना खाया क्योंकि जाहिर सी बात है मैं दोपहर से भूखा था, तो मैंने कहा आराम से अब खा लेते हैं। खाना खाते खाते मुझे मिले वहाँ पे एक भैया जो कि पंजाब से हैं। ये भैया मिले हैं और पहले इंसान है ये अब तक की मेरी लाइफ के, मतलब जो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, जो मेरे नॉन सोर्स से आए हैं, मतलब कि बिल्कुल अलग से। भैया पंजाब से हैं, और भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम जोनी है ब्रो। जोनी, तो ये भी वैसे अलमाटी जा रहे हैं, व्लॉग देखे थे इन्होंने मेरा अलमाटी। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, ब्लॉग बहुत शानदार बनाते हैं भाई के ब्लॉग, थैंक यू सो मच। पता चला उन्होंने मेरा जो कजाकिस्तान का ट्रिप है मेरा वो वीडियो देख के उन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वो फर्स्ट इंसान ऐसे हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जो भी इंसान मुझे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसके लिए यादगार, मतलब एक मोमेंट कि हाँ वो मेरे लिए सबसे प्रीशियस मोमेंट है अब तक का। तो उसके बाद मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि मैं एयरपोर्ट में था, तो मेरे पास लेकिन टेंगे थे जो कजाकिस्तान की ट्रिप मैंने पूरी की थी, तो उसके कुछ मेरे पास टेंगे थे। तो बस मैं मुझे लगा कि भाई मेरे पास तो जब भी पड़े हैं फ़ायदा कुछ नहीं, एंड वो वहाँ कजाकिस्तान ही जा रहे थे मेरा व्लॉग देख के, तो मैंने उनको टेंगे दे दिए जितने भी थे मेरे पास। एंड सच में मतलब ये मेरे ज़िंदगी का अब तक का कि हाँ जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है मेरी लाइफ का सबसे पहला मोमेंट ऐसा था। अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच भाई यार, मतलब ऐसे ही प्यार दिखाओ यार, ऐसे ही मतलब मैं घूमता रहूँगा, तरह से नई नई डेस्टिनेशन आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी मैं गेट पर अपने बैठा हूँ, अभी वेट करते हैं, एक घंटा है अभी मेरी फ़्लाइट का, और उसके बाद यहाँ से चलने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं आपको बैंकॉक, बैंकॉक में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस अभी फ्लाइट के लिए अपनी बोर्डिंग हो चुकी है, एंड पहली बार स्पाइसजेट का अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ऑन टाइम इन्होंने किया है सारा चीज़ें, अदरवाइज 2-2 घंटे अब तक मेरा जितना भी रहा है 2-2 घंटे लेट करते हैं। बाकी अभी चलते हैं और टाइम से आज मैं शायद 3rd या 4th नंबर पर ही मैंने एंट्री ले ली।
तो अभी एंट्री का वक्त आ चुका है, अपनी एंट्री हो रही है। एग्जैक्ट 9 बजे हैं और अभी टाइम है 9:05 पे और सब बैंकॉक वाले हैं भैया। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपनी प्लेन में और अभी देखते हैं, अभी मेरा 25F है तो कहाँ है ये देखना पड़ेगा, शायद से लास्ट में होगा। तो एंड प्लेन बिल्कुल खाली है अभी, तो एकदम खाली है जो हमें स्टार्टिंग में ही आ गए हैं। बाकी स्पाइस जेट में आपका स्वागत है। 22, 23, 24, 25 ABC। भाई साहब विंडो सीट नसीब में है हमारे और हम विंडो सीट के लिए चुने गए हैं। तो अभी बैठते हैं भैया F बाहर का, तो मज़ा आ गया, मतलब अपने को विंडो सीट मिल गई तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी, थोड़ा रिकॉर्ड करने में मज़ा आएगा। बाकी रात में मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बैंकॉक। 3-4 घंटे की फ्लाइट रही अपनी और थोड़ा सो लिए। बाकी अभी है ना, जस्ट अभी निकले हैं और अभी पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इमिग्रेशन कराना है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बनी रहिए इस व्लॉग में। तो दोस्तों अभी अपना इमिग्रेशन हो चुका है फाइनली, और इमिग्रेशन में वैसे तो कोई सवाल एक सवाल भी नहीं किया, लेकिन जो वेट था वो बहुत लंबा था, अराउंड मेरे को लगा 1 घंटा लाइन में खड़े होने का, क्योंकि है ना 3-4 फ्लाइट एक साथ ही आ गए एंड उसकी वजह से भाई 1 घंटा अपने को जाना पड़ा। नंबर 7 पे बैग बताया है तो पहले बैग उठाते हैं। एंड अभी 4 बज चुके हैं बैंकॉक में, तो इसके बाद देखेंगे अपना कैश विड्रॉल वगैरह और उसके बाद टैक्सी और फिर होटल। तो दोस्तों ये है अपना बेल्ट नंबर 7 और पता नहीं अपना बैग किधर पड़ा होगा बेचारा। तो ये रहा अपना बैग। तो दोस्तों बैग मैंने ले लिया है और अभी निकालते हैं पहले एटीएम से पैसे, एयरलाइन सिम वगैरह तो है लेकिन अभी सबसे पहले पैसे निकालते हैं भाई। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ एटीएम की तरफ, उसके बाद लेंगे सिम और एटीएम यहाँ दिखा तो है, देखते हैं कि कितना चार्जेस वगैरह लगते हैं। दोस्तों एटीएम से अभी पैसे निकाल चुका मैं और अभी लेते हैं सिम, देखते हैं सिम कौन सा सही है यहाँ पे। अभी तो मतलब मैंने घर पे भी अभी अपडेट नहीं दिया और यही है यार, अभी थोड़ा सा एयरपोर्ट पे थोड़ा सा होता ही है हर बार कि सारी चीज़ें मतलब देखो कि कहाँ से, पहले अभी कैश हो गया, अब देखते हैं सिम AIS, यहाँ से लेते हैं सिम। गाइस अभी मैं टैक्सी बुक कर चुका हूँ क्योंकि बस वगैरह तो अभी यहाँ से जाने की नहीं है, 6 बजे तक का बोल रहे थे। तो मैंने सिम ले लिया है, कैश निकाल लिया है, अब बचा टैक्सी, तो मैंने टैक्सी कर लिया। अभी मैंने ग्रैब से कैब कर ली है, मैंने आपको बताया है, तो अभी वेट कर रहा हूँ अपने ड्राइवर का क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता एक्चुअली मैं हूँ कहाँ। तो मैंने उसको फ़ोटो भेजा और बोला भाई आ जाओ यहाँ पर ही, अगर आप आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया यहाँ पर है ना, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 4:30, यहाँ पर आपको कुछ वैसे नहीं मिलने वाला, तो बेटर है सबसे पहले सिम लो और उसके बाद अपना ग्रैब एक एप्लीकेशन है जो कि टैक्सी के लिए यहाँ सबसे बेस्ट है, वो डाउनलोड करो फिर अपनी टैक्सी बुक कर लो, तो इजी है। और पता है अगर मैंने जो ये टैक्सी खड़े हैं ना, मैंने इनसे पूछा कि भाई मेरा जो एड्रेस है वहाँ पर जाने के लिए, तो इन्होंने मुझे बताया 1200 बाद। तो कभी भी ये टैक्सी प्रीफर ना करें भाई, बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज करते हैं ये लोग। दोस्तों अभी कैब वाले से बात करिए, वो बोल रहा 3-4 मिनट लगेंगे, यार मतलब थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अभी जो कैब वाले भैया हैं वो बोल रहे हैं कि वो सेकंड फ्लोर पे हैं, तो भाई अब सेकंड फ्लोर जाना पड़ेगा। अरे यार बस जल्दी हो जाए, हॉस्टल पहुँच जाए, थोड़ा आराम कर लें क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ ऑलरेडी मैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का इशू है, बहुत लोग मतलब इतना हेल्पफुल है नहीं लोग, काफ़ी पूछ रहा हूँ कि भाई फ्लोर कौन सा है, किसी को नहीं पता, मतलब जो यहाँ पर स्टाफ भी है ना वो भी बात करने को अच्छे से तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको है ना थोड़ा हेल्पफुल हो जाए कि हाँ भाई बता दें कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कर दिया, खुद से ही सब कुछ करो। तो गाइस फाइनली अपनी टैक्सी आ चुकी है, तो भाई अपनी गाड़ी ये है, तो अभी रखते हैं सामान पहले। तो गाइस अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल और सुबह के बज चुके हैं 6, तो अभी चलते हैं सामान उठा के अपने हॉस्टल के अंदर। तो ऐसा कुछ मार्केट दिखता है और यहाँ ये मेरी टैक्सी, इधर साइड में मेरा हॉस्टल
और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखते हैं अंदर हॉस्टल।